नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूँ शुभम सोनी और आइए आपको दिखाते हैं इस बुलेटिन में खबर बिजावड़ से है, जहाँ अधिवक्ता संघ का मतदान निर्वाचन किया गया संपन्न। इस निर्वाचन में 100% मतदान शामिल हुए, जिसमें अध्यक्ष पद पे सुनील खरे व उपाध्यक्ष पद रामजी विश्वकर्मा व सचिव पद पर सुरेंद्र नाथ अवस्थी ने जीत हासिल की, जबकि कोषाध्यक्ष पद में खड़े दो प्रत्याशियों को बराबर मत मिलने के बाद उनके लिए टॉस उछालकर कोषाध्यक्ष पद का निश्चय किया गया, जिसमें हरीशचंद्र प्यासी ने कोषाध्यक्ष पद की बाजी मारते हुए विजयी घोषित हुए। 2018 को अभिभाषक संघ बिजावर के पदाधिकारी में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए मतदान जो है मतों की गणना हुई तो अध्यक्ष पद के लिए जगत राज सांडल को 15 मत प्राप्त हुए हैं, सुनील खरे को 32 मत प्राप्त हुए हैं, श्री सीताराम विश्वकर्मा को 24 मत प्राप्त हुए और एक मत पत्र जो है वो निरस्त हुआ है। इसी प्रकार जो है उपाध्यक्ष पद के लिए ईश्वर चंद अवस्थी को 33 मत प्राप्त हुए हैं और रामजी विश्वकर्मा को 39 मत प्राप्त हुए और कोई मत पत्र निरस्त नहीं हुआ है और श्री रामजी विश्वकर्मा को जो है उपाध्यक्ष पद हेतु विजयी घोषित किया गया है जी। और सचिव के लिए जो है सुनील अवस्थी को 23 मत प्राप्त हुए हैं, सुरेंद्र नाथ अवस्थी को 48 मत प्राप्त हुए हैं और एक मत पत्र जो है निरस्त हुआ है और सचिव पद के लिए श्री सुरेंद्र नाथ अवस्थी को जो है विजयी घोषित किया गया है। इसी प्रकार से कोषाध्यक्ष को कुल 72 मत डाले गए, कमलेश अवस्थी को 29, दीपक पांडे को 13, हरिश्चंद प्यासी को 29 मत प्राप्त हुए, एक मत पत्र जो है वो निरस्त हुआ गया। कमलेश अवस्थी और हरिश्चंद प्यासी को बराबर मत प्राप्त हुए थे, इसलिए उनको टॉस फेंका गया, जिसमें जो है टॉस हरिश्चंद प्यासी के पक्ष में रहा और हरिश्चंद प्यासी को कोषाध्यक्ष पद के लिए विजयी घोषित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले बुलेटिन में नई और ताजा खबरों के साथ।